हाई कोर्ट ने हरीश रावत को दिया है बड़ा झटका। उत्तराखंड में कल बहुमत परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर डबल बेंच ने ये रोक लगाई है। एकल बेंच यानी सिंगल बेंच के फैसले पर 7 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिए हैं। कल हरीश रावत को बहुमत साबित करना था। एकल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने ये रोक लगाई है। एकल पीठ ने दिए थे हरीश रावत को फ्लोर टेस्ट करने के आदेश। केंद्र को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। तब तक उत्तराखंड में बनी रहेगी यथास्थिति। 6 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। अपने दर्शकों को बता दें 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है इस मामले की, और फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी उत्तराखंड में। तो कह सकते हैं हरीश रावत के लिए एक बड़ा झटका है। कल फ्लोर टेस्ट करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थी। शासन के जो अधिकारी हैं वो भी इंतजाम में लगे हुए थे, और ये कहा जा रहा था कि पूरी तैयारियां की गई हैं, और खासे ही इंतजामियों के साथ ये दावा किया जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे हरीश रावत। लेकिन इस रोक के बाद अब सियासी घटनाक्रम एक बार फिर करवट ले चुका है। लगातार एक के बाद एक कई तरह की परिस्थितियां उत्तराखंड की सियासत में हो रही है। सुबोध उनियाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। हम स्वागत करते हैं इस बात का। देखिए, ये फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाकर माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया प्राइमा फेसिया उसको उसका मोहर लगाई है। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विधानसभा निलंबित हो जाती है तो आखिर विधानसभा में नेता सदन कौन होगा, कौन कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा? निलंबित विधानसभा में नेता सदन। और इस वक्त हमारे साथ बागी विधायक अमृता रावत जुड़ रहे हैं। अमृता जी, स्वागत आपका समाचार पत्र। सबसे पहले यही, इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? निश्चित रूप से जो भी डबल बेंच का जो फैसला आया है वो स्वागत के योग्य है, और सही रूप से यही सही है। क्योंकि जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है जी, तो ऐसे समय में ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई विधायक है, कोई कुछ नहीं है। ये जो फैसला आया उसका हम तहे दिल से इसका स्वागत। अमृता जी, इस रोक के बाद कम से कम 9 जो विधायक अलग हुए पार्टी से, उनको भी अपने स्टेटस को समझने का और मौका मिल गया। वो तो हमें हम सोचे समझे ही हैं, हम अपने स्टेटस के बारे में सोचे समझे। नहीं मैम, अगर कल आपको अभी वोटिंग करनी होती तो स्थिति बहुत अजीब सी थी ना। ये समझ ही नहीं आ पा रहा था कि आप अंदर जाएंगे बाहर वोट किया जाएगा। अगर राज्यपाल ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो परमिशन कैसे मिलेगी? कई तरह की स्थितियां आपकी स्थितियों को लेकर भी थी। नहीं, हम लोगों को तो ये मतलब ये था कि जो वोट तो हम देंगे और लिफाफों में बंद रहेगा। ये तो था, अब वोट देने तो हमें जाना ही था। लेकिन अब जो फैसला आया वो बहुत अच्छा। लेकिन आपके डिस्क्वालीफाई को लेकर जो अपील की गई कोर्ट में वो 1 तारीख को फैसला आना है, जहां तक जानकारी है मुझे। अब उसके बाद 6 तारीख तक ये रोक, तो माना जाए ना जो कड़ियां जुड़ रही हैं कहीं ना कहीं मुफीद हो रही हैं आपके लिए। देखिए, हमें ईश्वर पे न्याय पे पूरा भरोसा है, और हम चाहते हैं कि जो है हमेशा सत्य की जीत हुई है, तो इस समय भी हमेशा सत्य की जीत होगी। बहुत शुक्रिया समाचार पत्र से बातचीत करने के लिए। तो अमृता रावत का कहना कि इस फैसले का वो स्वागत करती हैं, और वाकई वो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन अब कम से कम दूर होता हुआ नजर आता है। तो एकल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी। अपने दर्शकों को बता दें उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर समाचार पत्र नहीं, अपने दर्शकों को सबसे पहले यह खबर बताई। लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कुहासे के जो बादल हैं उत्तराखंड की राजनीति पे वो लगातार छाए हुए हैं, और रफ्तार रफ्तार धीरे धीरे वो छटने के बजाय जो कुहासा है वो और बढ़ता जा रहा है। और श्याम जाजू ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में फ्लोर टेस्ट के लिए कभी भी हम पीछे नहीं हट रहे थे। 18 तारीख को भी वो हमारी डिमांड थी, कल हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो कल के लिए भी हमारी तैयार थी और आने वाले दिनों में भी है। कल का निर्णय जिस प्रकार से आया था वो समझ के बाहर था, उसमें काफी एम्बिग्युइटीज थी। आज के डबल बेंच ने उसको काफी क्लियर किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसको काफी ठीक किया जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जादू साहब आगे? हमारी स्ट्रेटेजी तो लोकतंत्र बचाने की स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी उत्तराखंड को न्याय दिलाने की स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी अल्पमत को बहुमत में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले शक्तियों से लड़ने की हमारी स्ट्रेटेजी है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम जाजू को आप सुन रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये जो फैसला कल आया था वो वाकई कंफ्यूजन पैदा कर रहा था, लेकिन आज जो डबल बेंच का फैसला आया है और इस फैसले के बाद ये सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही। कम से कम जो वापो कल था उसको ये विराम देता है। सीधे रुक करेंगे, धारा दूंगा मेरे सहयोगी अजीत कांबोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत,
हर बार हर दिन हर मिनट हर पल ये लगता है कि शायद स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन कई बार ये चीजें संभलते संभलते सवरते सवरते और नई पहेलियों और चुनौतियों के साथ कम से कम उत्तराखंड की सियासत के सामने नजर आती हैं। बिल्कुल घनश्याम, आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी हंसी खुशी नजर आती है हाईकोर्ट के फैसले को देखकर, और कहीं पर चुनौतियों भरा फैसला नजर आता है। हरीश रावत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस तरह से लगातार बात की जा रही थी, हरीश रावत के जो समर्थक है उनकी तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 31 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें वो भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। हालांकि सदस्य सीमित संख्या में है, लेकिन दावे ये किए जा रहे थे कि भारी संख्या में बहुमत मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका माना जा रहा है हरीश रावत के लिए। दूसरी तरफ अब जो 6 तारीख को दोबारा से डबल बेंच बैठेगी, पूरी सुनवाई होगी, उसमें क्या वो दोबारा से समय देती है बहुमत साबित करने का, या फिर राष्ट्रपति शासन यथावत जारी रहता है, यह भी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि जो पूरी तैयारी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से 31 तारीख को लेकर की गई थी वो धरी की धरी रह गई है। शासन की तैयारियों को झटका लगा है जो उन्होंने कल के विधानसभा सत्र को लेकर की थी। अब हाईकोर्ट के ऊपर दोबारा से नजरें हैं सबकी कि हाईकोर्ट पे इस एक हफ्ते के दौरान क्या कुछ होता है, 6 तारीख को जब सुनवाई होती है तो वहां पर किस तरह से दोबारा से दोनों ही दलों के अधिवक्ता अपनी बातें रखते हैं, क्या कुछ कितना मान मनोबल का दौर चलता है, कितना कुछ वो समझा पाने में कामयाब होते हैं हाईकोर्ट को, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अब दोबारा से मंथन करने में जुट चुके हैं शीर्ष नेतृत्व तो भाजपा और कांग्रेस का। वहीं अगर प्रदेश स्तर के नेताओं की बात की जाए, चाहे फिर वो हरक सिंह रावत की बात हो चाहे विजय भगुड़ा की बात हो, वो अपने बागी विधायकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वहीं हरीश रावत, इंदिरा हृदय और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड कांग्रेस के जो अपने विधायकों को जोड़कर रखने में मशगूल नजर आ रहे हैं, साथ में पीडीएफ और अन्य दलों का। डबल बेंच का जो आज आदेश आया है किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? नहीं, आदेश का तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जल्दबाजी में सिंगल बेंच का आदेश था उसमें स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही थी कि राष्ट्रपति आदेश लगा हुआ है, कौन विश्वास का मत लेगा, ये थोड़े से कंफ्यूजन थे, इसलिए इस्टे मिला है। पर हमें विश्वास है क्योंकि हम पहले दिन से भी बहुमत में हैं, हमने जिस दिन डिवीजन मांगा था उस दिन भी हमारे साथ 36 विधायक थे, हम महामहिम राज्यपाल जी के पास गए उस दिन भी हमारे पास 36 विधायक थे, आज भी हमारे पास 36 विधायक है, इसलिए 70 की विधानसभा में 36 विधायक हमारे पास आज भी है, और कुछ ऐसे और विधायक हैं जो हरीश जी से नाराज होकर हमें मतदान करना चाहते हैं, तो फ्लोर टेस्ट में हम हमेशा बहुमत सिद्ध कर सकेंगे, हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं। अंबिका सोनी जो प्रभारी हैं इस राज्य की, उन्होंने आज एलिगेशन लगाया है कि मुकुल रोहतगी जो आज बहस कर रहे हैं नैनीताल में, वो अमित शाह और मोदी की भाषा बोल रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ कानून की भाषा बोली जाती है, अंबिका सोनी जी को कोर्ट में क्या बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, उसका नॉलेज उन्हें होना चाहिए। कोई भी वकील हो, वह किसी व्यक्ति या किसी राजनेता की भाषा नहीं बोलता है, वो संविधान की भाषा बोलता है, इसलिए इस प्रकार की नासमझ वाली बातें नहीं करना चाहिए अंबिका जी सोनी जैसी वरिष्ठ नेता को। यहाँ जो क्लॉस सा हो गया, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? पूरे तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों ही अपने प्रयास में थे कि अपने अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित करना। मुख्यमंत्री रंगे हाथ पकड़ा गए थे हाथ ट्रेडिंग करते हुए, और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विधायकों को निलंबित किया, तो वो अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के आचरण से और विधानसभा अध्यक्ष के आचरण से उत्तर प्रदेश की राजनीति छवि खराब हुई है। कांग्रेस की बौखलाहट को क्या मानते हैं जो कांग्रेस में इस समय पहुंची हुई है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनका केंद्रीय नेतृत्व तो जिम्मेदार है, प्रदेश का नेतृत्व तो जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है जो अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, और पूरी उत्तराखंड की अगर पूरी राजनीति उथल पुथल के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश का नेतृत्व। लास्ट क्वेश्चन, आज सोनिया गांधी ने अपने एक रैली में बोला है कि चुन चुन कर जो है कांग्रेसी सरकारों को गिराया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, सोनिया जी के नेतृत्व के प्रति पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है, वो लोग बगावत कर रहे हैं, इसलिए कि उनके युवराज राजनीति को भी नहीं समझते हैं, वो जेल में जाते हैं या देश विरोधी नारे लगते हैं उनके समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं। वह कांग्रेस जिसका आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस कांग्रेस के युवराज देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में जाके खड़े होते हैं, तो उसको लेकर देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपने नेतृत्व के प्रति अविश्वास है। तो सबसे पहले सोनिया जी अपना घर देखें, उसके बाद बीजेपी का आरोप लगाएं।
कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि ये जो स्थिति असल में है, जो क्योस इस वक्त प्रदेश में है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो कांग्रेस, हरीश रावत और उनका जो सेंट्रल नेतृत्व है वो। अजीत कांबोज मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। अजीत, आपसे पहले जब कॉन्वर्सेशन में कर रहा था तो उसी बीच जिक्र आता है उन विधायकों का जो फिलहाल इन दोनों ही दलों के बीच में कई सारी चीजों को झेल रहे, शायद शुरुआत की जो दो चार पांच दिन रहे होंगे आवभगत हुई होगी, आवभगत का उन्होंने मजा भी लिया होगा, लेकिन अब ये आवभगत कहीं ना कहीं उनके स्तर पर भी भारी पड़ रही है। अपने घर वालों से दूर रहना, उनकी कैद में रहना, निगरानी में रहना, ये सारी चीजें अब खलने लगी होंगी इनको भी। बिल्कुल घनश्याम, जिस तरह के हालात उत्तराखंड की सियासत में बने हैं, 18 मार्च से लगातार कई विधायक इस वक्त दूसरे दलों के कब्जे में है, तो कई विधायक ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर होने के बाद भी नजरबंद जैसी स्थिति में हो गए हैं, ना वो घर वालों से बात कर सकते हैं, अगर बैठ के होती है तो उनके फोन जब्त कर लिए जाते हैं, ऐसी स्थिति को विनियोग विधेयक परास्त हो चुका है, सरकार गिर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक परिस्थितियां पैदा हुई कि हरीश रावत जी अदालत पहुंच गए और उसके बाद भी अदालत ने कहीं ना कहीं हमारी जो 18 तारीख हमारी पोजीशन थी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस पोजीशन को सपोर्ट किया। जब अदालत ने कहा कि वो 9 विधायक भी जिनको स्पीकर साहब ने बहुत हेस्ट में और हमारे मुताबिक बहुत इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्वालीफाई कर दिया, जब अदालत ने कहा कि वो भी वोट करेंगे तो टेक्निकली हमारी पोजीशन को उन्होंने विंडिकेट किया। लेकिन आज संभवतः कांग्रेस भी और विशेष रूप से भारत सरकार ने लार्जर बेंच में जाकर के डिवीजन बेंच में कहा कि भाई बहुत हेस्ट में सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है एंड द प्रॉपर टाइम वॉज नॉट अलाउड गिवन टू यूनियन ऑफ इंडिया, दो आई एम नोबडी टू स्पीक फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट दिस इज व्हाट आई एम टोल्ड। तो उसके बाद अभी लग रहा है कि हमें तो अच्छा ही लग रहा, भारतीय जनता पार्टी और जो साथियों का बहुमत है सरकार के खिलाफ है, सरकार अल्पमत में है। एक अच्छी बात यह है कि अदालत ने कहा है कि भारत सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने के तमाम सारी चीजों के बारे में भी अपना डिटेल्ड जानकारी दें, एफिडेविट फाइल करें, तो अच्छा है, अच्छा है, हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि और भी जितनी डिटेल सुनवाई होगी जो तमाम सारी परतों दर परतें सरकार की खुल रही है। जैसे पहले दिन तो केवल बहुमत और अल्पमत का सवाल था, सरकार सीधे तौर पर अल्पमत में थी, स्पीकर साहब ने एक पार्टीशन रुख अख्तियार करके एक पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करके अल्पमत को बहुमत कह दिया, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेट किया है हाईकोर्ट ने। आगे चल करके फिर मालूम पड़ा कि किस्टिंग हो गया जिसमें सीधा सीधा हॉर्स ट्रेडिंग मुख्यमंत्री जी खुद करते हुए देखे गए, जो बहुत एक सीरियस बात है, कंट्री के अंदर 68 ईयर्स में पहली बार हुआ। और अब तीसरी और बातें निकल करके आ रही, आज ही हम लोगों ने एक पीसी की है, उसमें मालूम पड़ा कि जो जितने भी मुख्यमंत्री जी के पॉलिटिकल एडवर्सरीज थे उनके ऊपर, उनके निजता पर, उनकी प्राइवेसी पर भी चौकीदारी लगा दी गई थी, उनके टेलीफोन को टैप किया जा रहा था। तो ये तमाम सारे बातें सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रही है। तो मुझे लग रहा है अदालत ने जितना पर्याप्त समय दिया तो जाहिर तौर पे इस सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर का जो केस है वो और पुख्ता होगा और हमें लगता है कि निश्चित रूप से अल्टीमेटली इस सरकार को जाना ही है, वैसे भी अल्पमत में इनको जाना ही है। फ्लोर टेस्ट भी होता तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी हैं, ये सरकार अल्पमत में आ चुकी थी, हमारे पास क्लियर कट बहुमत था। 18 तारीख को 32 सदस्य विनियोग विधेयक के पक्ष में थे, 35 सदस्य उसके खिलाफ थे, 67 कुल सदस्य प्रेजेंट थे। तो वही स्थिति आज भी है, आज भी 35-32 की स्थिति है, आज भी हम क्लियर कट बहुमत में है, तो सरकार को तो जाना ही है। तो ये केवल एक टाइम बैगिंग टैक्टिक्स है जिसमें कांग्रेस प्रयास कर रही है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और निश्चित रूप से ये सरकार अल्पमत में है और इस सरकार को जाना ही, अपना विश्वास खो चुकी है बीजेपी। इसको क्या अपनी फतह के तौर पर देख रही है? नहीं, देखिए हम कोर्ट्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी फतह सिर्फ इसलिए मानती है कि सरकार का जो विनियोग विधेयक था वो डिफीट हो गया, उसके अंदर सरकार माइनॉरिटी में आ गई, वही सिचुएशन हम आज तारीख तक मेंटेन कर रहे हैं, वही बात हम इस बात को कहते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अदालतों के फैसलों से भी वही प्रतिध्वनित होता है। यदि आप देखें अदालत ने कहा कि क्वालिफाइड मेंबर्स और सो कॉल्ड डिसक्वालिफाइड मेंबर्स सब आप वोट करेंगे, तो सब वोट करेंगे तो सबके सामने नेकेड आई से दिखाई दे रहा है कि 32 मेंबर एक तरफ है, 35 एक तरफ है और आए तो 36 है,
उस दिन तो हमारे एक मेंबर गणेश जोशी जी जेल में थे, आज तो 36 मेंबर है। आपने अभी टेलीफोन टेप कांड की बात कही है, किस तरह की जानकारी आपके पास है, कितने लोगों को टेलीफोन टेप पूरा थे? देखिए साहब, बहुत रैम्पेंट कंप्लेंट्स इस बात को मिल रही थी, यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर कई लोग जो मुख्यमंत्री जी के कैंप से खेमे से अलग ताल्लुक रखते थे, उनकी भी शिकायतें कि उनके भी फोन टैप किए जा रहे थे। यहां तक कि पर्दे के पीछे से कुछ सरकारी अधिकारी भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लीडर्स के फोन टैप हो रहे थे, लेकिन एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब उसको आरटीआई एप्लीकेशन में मांगा तो बहुत नुक्ताचीनी की, नहीं देना चाहा, लेकिन जब इंफॉर्मेशन कमीशन ने सख्ती की और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसमें इंटरवीन किया तो इनको 378 लोगों को बताना पड़ा, 378 लोगों की हमने टैपिंग की। लेकिन उसके बाद आगे जाकर के उन्होंने कहा, उनके नाम नहीं बताए, और ये मालूम पड़ रहा है कि यदि डिटेल जांच होगी तो बहुत सारे लोगों के मामले सामने आएंगे, हजारों लोगों की इलीगल फोन टैपिंग का प्रकरण सामने आएगा। थैंक यू। और दिल्ली में सुबोध उनियाल ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत, हाईकोर्ट के फैसले को उनियाल ने बताया सही। कांग्रेस के बागी विधायक है सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल जी, हमसे बात करने के लिए। सुबोध जी, जिस तरीके से कल एकल पीठ का बेंच फैसला आया था, अब डिवीजन पीठ का फैसला आया, आप इसका स्वागत करते हैं? जिस तरीके से अब कम से कम बहुमत कल साबित नहीं करने दिया जाए। देखिए, प्रश्न बहुमत साबित करने का नहीं है, प्रश्न ये था कि स्पष्ट रूप से 18 तारीख की मार्च को वित्तीय विधेयक में 35 विधायकों के द्वारा डिवीजन ऑफ वोट की मांग करने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में तमाम परिस्थितियों में विचार करके जो केंद्र सरकार के सिफारिश पर जो महामहिम राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया, आज इस बात की माननीय न्यायालय में पुष्टि हुई है कि ये इस्तेमाल, इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। सिंगल जज के डिसीजन के बाद जिस तरीके से हरीश रावत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको लगता है कि क्षणिक तेवर थे वो, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे जुडिशरी पर भरोसा, आज भी ना भरोसा होना चाहिए? देखिए, मुझे कुल मिला के लगता है कि रावत जी जिस तरह से बार बार रूमर चला रहे थे कि साहब उनमें से 9 में कई लोग टूट गए, अब भी मैंने उसके बाद सुनी कि हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी और सिंगल साहब अपने क्षेत्र में गए थे तो इन्होंने कहा साथी रह गए तो भाग गए, आज दोनों लोग वापस आ गए। तो हरीश रावत जी को जो डर है कि उनके जो भय का वातावरण उन्होंने पूरे प्रदेश में बनाया था, जो विधायक और मंत्री सभी उनसे नाराज हैं, वो छटक के भाग ना जाए, उस स्ट्रेटेजी पे भी रोक लगी। आखिरी सवाल, अपनी सदस्यता बचाने के लिए आप किस तरह के कानूनी पहलुओं में जाएंगे, क्योंकि अब अगली सुनवाई 1-2 तारीख को होगी? हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, और जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जब अध्यक्ष की तमाम शक्तियों पर एक निलंबन की कार्रवाई हो जाती है, जो तमाम शक्तियां उन्हें मिलती है विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, राष्ट्रपति शासन में विधानसभा के निलंबित होने के बाद जो शक्तियां अपने आप में निलंबित हो जाती हैं, उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हमें डिस्क्वालीफाई किया, इससे स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, और ये अल्पमत की सरकार जिसको कि बर्खास्त की, जो कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बर्खास्त हो गई है, इसके जंगल राज से लोगों को मुक्ति मिलेगी। कैमरामैन सनी महेश्वरी के साथ राहुल डबास, दिल्ली समाचार प्लस।